हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल जायका होम किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार लाजवाब चिकन और अरबी का सालन। गाइस आप देख सकते हो ये चिकन अरबी का सालन कितना मज़ेदार दिख रहा है। आप इसे रोटी, पराठे या चावल किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। चलिए हम अरबी गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये अरबी ले लेंगे और उसे हम छील लेंगे। अब अरबी को हमने छील लिया है और अच्छे से धो भी लिया है इसे, और एक साफ कपड़े से पोंछ ली हूँ। अभी बीच में से इसको हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसे सभी अरबियों को बीच में से अच्छे से मैंने कट कर ली हूँ। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये दल में हमने पहले से तेल गर्म करके चढ़ा दिया था। अब अरबी को हम फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सही से फ्राई करके हमें निकालना है। फ्राई करते समय हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब अरबी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हमने सभी अरबी को देख लिए फ्राई कर लिया है। अब यही तेल में हम थोड़े कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। अब खड़े गरम मसाले को हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज पीसी हुई, एक दो डली प्याज है जिसे मैंने पीस ली थी, उसको डाल देंगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हो 2 मिनट हो गए, इसका प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। अब ये प्याज अदरक लहसुन का मसाला भून चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले मिलाएंगे। 3 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। मैं धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। अब 2 चम्मच इसमें हम मिर्ची का पाउडर डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे 3-4 मिनट तक। अब ये मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। ये चिकन को मैंने पहले से अच्छे से धो के रख ली थी। अब चिकन डाल के भी इसे हम अच्छे से कम 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। हम सालन को जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा बन के तैयार होगा सालन। अब इसे हम 2 मिनट ढक के पकाएंगे चिकन को। अब 2 मिनट हो गए, खोल के देख लेते हैं। चिकन भी थोड़ा सा नरम हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे पीसे हुए। ये 3 मैंने टमाटर ली थी, इसका मैंने पेस्ट बना ली थी। टमाटर डाल के भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का पानी अच्छे से सूख जाए। अब इसमें हम 1/2 कटोरी दही डालेंगे। हम दही डाल के भी इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो अरबी फ्राई करके रखी थी अब उसको डाल देंगे हम इसमें। अरबी डाल के भी इसे हम कम से कम 10 मिनट तक इसे हम अच्छे से पकने देंगे ताकि अरबी भी अच्छे से थोड़ी गल जाए। अब इसको हम 10 मिनट तक धीमी आंच में ढक के रख देंगे ताकि चिकन और अरबी भी अच्छे से गल जाए। देखिए 10 मिनट बाद हम खोल के देखते हैं, अरबी और चिकन हमारा गला के नहीं। अब हमारा अरबी और चिकन भी देखिए अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच और नमक डाल देंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हो, कितना पानी ज़्यादा रखना है। अब इसे भी हम 10 मिनट तक पका लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और ऊपर से हम कटी धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसे अब हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट तक धीमी आंच पर। अब 10 मिनट बाद देखिए ये हमारा चिकन अरबी का सालन बनके तैयार है।
माशाल्लाह आप देख सकते हो ये चिकन अरबी का गोश्त का सालन कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। ये हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा और हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।